इतना दूर चला जाऊंगा कि किसी को याद ही नहीं रहेगा कि कोई डॉक्टर सिद्धार्थ मोदी भी था। इतना दूर चला जाऊंगा कि खुद जाऊं तब भी ना आ पाऊं। दिल मिल गए जाने कहां, दिल मिल गए तमन्ना। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। ऐसा नहीं कहते, आप जाओ अपने वार्ड में, मैं आपसे मिलने आऊंगा। मुझे पता है आप जा रहे हो और फिर कभी वापस नहीं आओगे, इसलिए मुझसे झूठ झूठ मत बोलो। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। आपके जीनी भैया आपसे कभी झूठ बोल सकते हैं? आई प्रॉमिस, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, और जैसी आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी ना, तो हम बाहर बहुत मस्ती करेंगे, जहां पे ये सड़ियल डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। तमन्ना, आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, और जैसी आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी ना, हम दोनों बाहर बहुत मस्ती करेंगे, प्रॉमिस। अब जा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ, जैसे मैंने आपकी बात मानी थी। आपने तो कहा था हर पेंसिल के साथ एक रबर होता है, इससे सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, सारी गलतियां मिट जाती हैं। मैं अपनी गलती मिटाने जा रहा हूं, मेरी बात मानोगी ना तमन्ना? आई प्रॉमिस, जैसे आप ठीक हो जाएंगी, आपके जीनी भैया आपको लेने आ जाएंगे। सिर ऐसा कर सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, हालांकि मैं उससे गुस्सा बहुत हूं, लेकिन अब जब मैं ठंडे दिमाग से सोचता हूं तो लगता है शायद उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे। तुम ये कैसे बोल सकते हो अतुल? तुम जानते हो उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की बास्केटबॉल मैच में, वो गंदी। इसमें बिलीव करने लायक क्या बात नहीं? तुम सही कह रही हो रिद्धि, लेकिन सिद्ध अपनी जनरेशन के बाकी लड़कों जैसा ही है, जो बिना सोचे समझे मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, प्रैंक्स खेलते हैं, लेकिन वो ब्राइट भी है। इनफैक्ट वो संजीवनी के सबसे ब्राइट इंटर्न्स में से एक है। है नहीं था, अब वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ। मिड टर्म में संजीवनी को इस तरह से छोड़कर जाना उसके मेडिकल करियर के लिए ठीक नहीं होगा। उसके करियर पर चाहे जो इफेक्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बहुत बदल गई हो रिद्धि, भी अच्छे के लिए है या बुरे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन बदल तो तुम गई हो। तुम क्या चाहते हो अतुल? मैं उसे माफ कर दूं? मैं वो नहीं चाहता रिद्धि, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम पहले वाली रिद्धि होती तो शायद उसे माफ कर दे। लेकिन मैं पहले वाली रिद्धि नहीं रही। अगर मैं पहले वाली रिद्धि होती तो मैं आज संजीवनी में नहीं होती। लोगों की बातों से डर कर, उनकी बातों से बचने के लिए मैं घर बैठकर रो रही होती। तुम सब पुरानी रिद्धिमा को देखना चाहते हो, जिसे लोग हर्ट करके छोड़कर चले जाते थे, और उसके पास रोने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती थी। लेकिन अब और नहीं है अतुल, अब मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। अब लोग मुझे नहीं, मैं उन्हें चॉइसेस दूंगी। जैसे तुमने डॉक्टर सिद्धार्थ मोदी को दिए संजीवनी छोड़ के जाने की, वो डिसीजन उसका था, उसकी गंदी हरकत के लिए वो ये डिजर्व करता था। जिस इंसान की वजह से पूरे संजीवनी में मैं मजाक बन गई हूं, उसी के साथ एक ही हॉस्पिटल में दिन रात उसकी शक्ल देखकर काम करूं? नो वे अतुल, नो वे। जीनी भैया, आप अभी कहां जा रहे हो? पता नहीं कहां जा रहा हूं।
भी नहीं पता कि इंटर्न से डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरी तमन्ना को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, राइट? दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझसे मिलने आओगे। ऑफ कोर्स। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरी आंखों की रोशनी जाने से पहले मिलने आओगे। नहीं तमन्ना, ऐसे नहीं कहते। आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और आपके जीनी भैया सबसे पहले आपके पास मिलने आएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। क्या सिद्धांत की संजीवनी छोड़ के जाने से वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा अतुल, और वो भी उस इंसान के लिए जो मेरे हिसाब से डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं। उसका फैसला सही था। यानी कि तुम पहले से यही चाहती थी? नहीं, यही चाहती। इसका मतलब तुमने जो भी कुछ किया वो सब नाटक था? नाटक? उसने जो कुछ भी किया अतुल, मैं उसे लेकर बहुत अपसेट हूं। पर उस एम्बैरेसमेंट की हद से ज्यादा मुझे उस इंसान पर गुस्सा था जिसके दिलों में औरतों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर तरस खाए, लेकिन वो चाहता था कि मैं उसके आगे रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगू और संजीवनी छोड़कर चली जाऊं। बस मेरे आंसू उसके सामने छलक गए और उसने जाने का फैसला कर लिया। इसका मतलब तुम्हारा संजीवनी छोड़ के जाना, तुम्हारे आंसू, वो सब झूठ था? अगर मेरे आंसू ने उसे संजीवनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सो बी इट। मैं तो चाहती थी कि वो संजीवनी छोड़कर चले जाए। इसका मतलब तुम्हारा संजीवनी छोड़ के जाना, तुम्हारे आंसू, वो सब झूठ था? तुम्हारे आंसू, वो सब झूठ था? इसका मतलब तुमने जो भी कुछ किया वो सब नाटक था? मैं यही चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो संजीवनी छोड़कर चले जाए। इसका मतलब तुमने जो भी कुछ किया वो सब नाटक था? मैं यही चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो संजीवनी छोड़कर चले जाए। इसका मतलब तुमने जो भी कुछ किया वो सब नाटक था? मैं यही चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो संजीवनी छोड़कर चले जाए। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? मानता हूँ कि गलती मेरी थी, पर चाहता तो चुप रहकर इस मैटर को खत्म भी कर सकता था। पर मैं तुम्हारे जितना बड़ा एक्टर नहीं हूं ना। क्या गेम खेला है बॉस, टिपिकल लड़कियों की तरह ड्रामा करो, इमोशनल ब्लैकमेल करो, आंसू बहाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम एक जीत हासिल करना चाहती थी और किसी का करियर बर्बाद होता तो होए। डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता, संजीवनी में रहने का बहुत शौक है ना आपको, तो ठीक है, रहिए, लेकिन इस बार आपका ट्रीटमेंट खुद डॉक्टर सिद्धांत मोदी करेगा। सेठ भैया जाते जाते हमारी भूख भी ले गए। मुझे सेठ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं उसकी बकबक भी मिस कर रही हूँ। नो कर लो बात। अरे भैया, हमारा चेहरा इतना सैड है और तुम ये हंसता हुआ चेहरा हमने सामने लेकर आए हो। अरे पर हमने कॉफी ऑर्डर नहीं की, आप ले जाइए प्लीज। तो उन्होंने ऑर्डर किए आपके लिए, सबके लिए? उन्होंने, इन्होंने? आप चलो। कम ऑन गाइस, ऐसे तो बिहेव मत करो मेरे साथ। तुम सब मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। हम आपकी बात जरूर सुनते सिर भैया, लेकिन आपने तो हमारी दोस्ती का मजाक ही बना दिया। जो कुछ भी हुआ सिर, उसके बाद तुम्हें हमारी दोस्ती क्या, माफी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? Thank you.
ये तुम कह रहे हो यूवी? हाँ। तो तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि हम सिट की गलतियों को भूल जाएं? जब तुम मेरी गलतियों को माफ कर सकते हो तो सिट की गलतियों क्यों नहीं? सिट ने कोई छोटी गलती नहीं की, उसकी वजह से रिद्धिमा दीदी की बहुत बदनामी हुई। आई शौक है, इसमें सिर्फ सिट की ही गलती थी। जहां तक मुझे याद है वो हमें वो फाइल देखने से रोक रहा था जिसमें डॉक्टर रिद्धिमा की फोटोज थी। अरे हाँ, तभी तो, इसलिए तो मुझे फोटोग्राफ दिखाने से मना कर रहे थे। गाइस, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हुई, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना, और दोस्त किस लिए होते हैं? माफ करने के लिए ना। तो गाइस, माफ कर दो ना यार, सॉरी। तमन्ना आंखें खोलो। देखो तमन्ना, अगर तुमने मजाक बनने किया ना तो मैं आपको बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाऊंगी। हाँ, लेकिन मुझे सिद्धार्थ भैया से चेकअप करवाना है और वो मुझे छोड़कर चले गए। तमन्ना को छोड़ के उसके सिद्ध भैया कहीं नहीं जा सकते। लो आ गए आपके सिद्ध भैया। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप चेकअप कर रही थी ना, प्लीज कंटिन्यू। तुम मुझे डिस्टर्ब, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो एक्चुअली मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो जब मैं संजीवनी छोड़ के जा रहा था तो मैंने सोचा मेरी वजह से आपकी कितनी बदनामी हुई है, तो मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? वो क्या कहते हैं, हाँ, जमाने की जालिम निगाहें, तुम अकेले कैसे झेल पाती, राइट? और तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल जी नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं रह जाता हूं। तुम्हारा ये फर्ज निभाने का नाटक और मुझे सपोर्ट करने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। कमाल कर रही है डॉक्टर रिद्धिमा, एक तो मैं आपके लिए यहां रुक गया और आप। जस्ट स्टॉप इट। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं पापा को जाकर तुम्हारी इस गंदी हरकत के बारे में सब कुछ बता दूंगी और फिर वो खुद तुम्हें धक्के मारकर संजीवनी से बाहर निकाल देंगे। ओके, एज यू विश। एनीवेज, डॉक्टर रिद्धिमा, आप अपना चेकअप बीच में छोड़ के जा रही हैं, आपके पापा को पता चलेगा तो? आई विल नॉट लीव यू। ये तो बस शुरुआत है डॉक्टर रिद्धिमा, जब तक आप संजीवनी में हैं आपको हर रोज अलग अलग दवाई देके आपको ट्रीट करूंगा। कान का प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी फाइल्स क्रिटिकल पेशेंट्स की फाइल्स हैं। खास करके एक पेशेंट है तमन्ना, छोटी सी बच्ची है, बहुत क्रिटिकल है, रिद्धिमा की पेशेंट। By the way, रिद्धिमा का? वो तो अभी तक हॉस्पिटल में ही है। I hope रिद्धिमा इस बच्ची का ख्याल रखे। क्या बात है शशांक, कुछ हुआ है? पद्मा इस बच्ची की तबीयत आए दिन खराब होती जा रही थी और रिद्धिमा के साथ वो गई थी लोनावला इलाज के लिए और वहां पे अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और ये सब रिद्धिमा की लापरवाही की वजह से। क्या? डॉक्टर कहती डॉक्टर शशांक दिल्ली से वापस आ गए। हम वापस आ गए लेकिन वो कह रहे थे कि पहले घर जाएंगे उसके बाद हॉस्पिटल आएंगे। ओके, थैंक यू। अब रिद्धिमा क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है, मैं आपको बाद में बता दिया, थैंक यू। क्यों पद्मा, मैंने रिद्धिमा को कभी इतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं देखा, खास करके अपने पेशेंट्स के प्रति। जब से वो वापस आई है वो बदल गई है, हर बात पर, हर छोटी बात पर वो ओवर रिएक्ट करती है, चिढ़ती रहती है, अग्रेसिव हो चुकी है वो।
हमारी बच्ची बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है शशांक। मैं जानता हूँ वो मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन पद्मा मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मुश्किलों को अपनी कमजोरी बनने दे। आप शांत हो जाइए, मैं उसे समझाऊंगी। पद्मा जब से रिधिमा वापस आई है वो बहुत बदल गई है। उसे किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, लगाव नहीं। वो अपने पेशेंट्स को दिल से नहीं बल्कि एक मैकेनिकल तरीके से ट्रीट करती है। अपने पर्सनल लाइफ को वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर हावी होने दे रही है, और वो नहीं हो सकता। शी इज अ डॉक्टर फॉर गॉड्स सेक। मैं जानती हूँ शशांक, पिछले कुछ महीने से हमारी बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया शशांक। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। नो, रिधिमा ईगोइस्टिक हो चुकी है। वो अपनी ईगो, अपनी अना के सामने किसी के सुनने को तैयार ही नहीं। डॉक्टर सिद्धांत मोदी से इतनी नफरत करती है वो कि लोनावला में उसने उसे अरेस्ट करवा दिया। इतनी कड़वाहट। कहीं इस कड़वाहट की वजह अरमान तो नहीं? आप जानते हैं कि वो अरमान को कभी भुला नहीं पाएगी, और कहीं ना कहीं रिधिमा अरमान के जाने के लिए खुद को दोषी मानती है। डॉक्टर सिद्धांत मोदी, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अंदर से बहुत कमजोर हो गई है, और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है शशांक। आसानी से हमने अपनी गलती पे मुंह फेर लिया। क्या आपको नहीं लगता कि हमने रिधिमा से अरमान की सच्चाई छुपाकर गलत किया? तो क्या करें पद्मा? रिधिमा से हम कह दें कि अरमान उसे छोड़कर नहीं गया था। रिधिमा को बताते हैं कि पिछले 9 महीने से जो हमने बात उसे अरमान के बारे में कही कि अरमान उसे छोड़कर गया था, वो सब झूठ था। अरमान, अरमान तुम्हें छोड़कर चला गया रिधिमा। असलियत कुछ और है। नो पद्मा, नो, हमें रिधिमा को झूठ कहना पड़ा ताकि रिधिमा अरमान को भूल सके। हम रिधिमा को नहीं बता सकते कि अरमान ने उसे नहीं छोड़ा। रिधिमा से हम कह दें कि अरमान उसे छोड़कर नहीं गया था। जाकर रिधिमा को बता दें कि पिछले 9 महीने से जो हमने बात उसे अरमान के बारे में कही कि अरमान उसे छोड़कर गया था, वो सब झूठ था। असलियत कुछ और है। हमें रिधिमा को झूठ कहना पड़ा ताकि रिधिमा अरमान को भूल सके। हम रिधिमा को नहीं बता सकते कि अरमान ने उसे नहीं छोड़ा। अरमान मुझे छोड़कर नहीं गया, छोड़कर नहीं गया। सच क्या है?